हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम करेंगे एक 12 मॉडल बोर्ड की वायरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने सॉकेट और स्विच और एक रेगुलेटर पहले ही फिट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप चाहते हो कि स्विच सॉकेट कैसे फिट करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं 12 मॉडल बोर्ड की वायरिंग करना। तो इसमें हमने दो सॉकेट नीचे और एक सॉकेट ऊपर दिया है, और सॉकेट के बाजू में एक रेगुलेटर लगा दिया है फ़ैन के लिए, और रेगुलेटर के बाजू में ही राइट साइड में लाइट के लिए एक स्विच दे दिया है। तो इसमें टोटल 3 सॉकेट और 4 स्विच प्लस 1 रेगुलेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले तो इसमें अर्थिंग के पॉइंट जोड़ देंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे फेस से शुरू करें अर्थिंग से, पर हम पहले अर्थिंग शुरू करेंगे। तो अर्थिंग के जैसे वायर थोड़े काट लिए दो, तो हम पहले नीचे के राइट साइड के सॉकेट में एक वायर जोड़ देंगे अर्थिंग का ऊपर के पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं, तीनों सॉकेट के ऊपर के पॉइंट में ही जोड़ना है हमें अर्थिंग के वायर। तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर देते हैं ताकि टाइम बचे, ठीक है? तो हमारे तीनों पॉइंट जुड़ चुके हैं अर्थिंग के। अब हम जैसे हम बोर्ड कहीं फिट तो नहीं कर रहे, पर हम वायरिंग कर रहे, तो जैसे समझ में आना चाहिए कि अर्थिंग में वायर जोड़ दिया है। तो हमने अलग से एक टुकड़ा लगा दिया है ताकि अलग से पता चले कि अर्थिंग का ग्रीन वायर है, ठीक है? तो हम सभी में ऐसे ही टुकड़े लगा देंगे छोटे से। तो अभी हम न्यूट्रल के वायर वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल का वायर भी हमने टुकड़े काट लिए हैं। हम सॉकेट के पहले पॉइंट में डाल देंगे, एक पॉइंट में पहले एक बार लगा देंगे, ऐसे ही तीनों सॉकेट के तीनों पॉइंट में एक बार, जैसे हमने अर्थिंग का जोड़ा था वैसे ही जोड़ते जाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ से वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। ये हमारे न्यूट्रल और अर्थिंग के वायर निकल चुके हैं। अब हम फैन का रेगुलेटर का एक वायर स्विच में लगा देंगे। तो ये स्विच के हमने पॉइंट में लगा दी अर्थिंग का वायर, ठीक है? अब हम स्विच से सॉकेट में फेस सप्लाई देने के लिए कनेक्शन कर देंगे। तीनों सॉकेट में एक स्विच के पॉइंट में लगा देते हैं पहले, उसके बाद सॉकेट के पॉइंट में लगा देंगे। ऐसे ही हम तीनों सॉकेट के कनेक्शन कर लेंगे।
तो ये हमने स्विच में फेस दे दिया है सभी पॉइंट्स में, सभी स्विचेस में, और उसमें एक और वायर लग जोड़ दिया है, बाहर निकाल दिया है बोर्ड के फेस का वायर। ये हो गया हमारे तीनों न्यूट्रल फेस और अर्थिंग के वायर, ठीक है, येलो ब्लैक और ग्रीन। न्यूट्रल में हम ब्लैक भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने येलो डाल दी है। ये रेगुलेटर में हम फ़ैन का एक वायर जोड़ देते जो कि फेस सीधा फ़ैन में जाएगा, और एक वायर हम जोड़ेंगे लाइट के लिए, जो भी लगाना लाइट बल्ब या जो रेगुलेटर के बाजू में स्विच है उसमें जोड़ देंगे। हमारा फ़ैन और ट्यूबलाइट के लिए वायर हो गया न्यूट्रल, ये हो गया ट्यूबलाइट का फेस और ये है फ़ैन का फेस, ठीक है, और बाजू में तीनों न्यूट्रल फेस और अर्थिंग। हमारी 12 मॉडल बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस बोर्ड की वायरिंग चाहिए, डायग्राम चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे आप जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम जाके देख सकते हैं, और उसकी लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।